इसको हमें न्यूअर स्टार्टर से क्या करना है, चालू करना है। और हम इसमें आज देखेंगे कि जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर इसके स्टेटर वाइंडिंग में वाइंडिंग के छह टर्मिनल बाहर निकले हुए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि छह टर्मिनल निकले हुए हैं। तो इसमें देख सकते हैं, इसमें हम कल के पिछले क्लास में हमने पढ़ा था इसके टर्मिनल को कैसे चेक किया जाता है, और A1, A2, B1, B2, C1, C2 कैसे ये हमने चेक किया था। आज हम देखेंगे इसको, इस मोटर को यहाँ पे छह टर्मिनल देख सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, तीन टर्मिनल को स्टार्ट करेंगे और तीन को सप्लाई देंगे। इसमें हम इस मोटर को पहले स्टार में बनाएंगे। आप यहाँ पे डेल्टा में बना सकते हैं, लेकिन इसमें पहली बार ज़्यादा करंट लेता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्या करेंगे पहली बार तीन टर्मिनल को शॉर्ट करेंगे। जैसे कि अपना ये इसको हम मान लिया है A1, A2, इसको A1, A2 मान लिया, इसको B1, B2, और ये है हमारा C1, C2। इसमें क्या करेंगे, A1, A2, B1, B2 और C1, C2 में से B2, A2 और C2 को क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे शॉर्ट कर दिया। इसमें क्या करेंगे, फिर जब तीन टर्मिनल रह गए, अब इसको क्या करेंगे, प्योर स्टार्टर से जो स्टार्टर के इसमें देंगे। और क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं अपना जो स्टार्टर है, इसमें ये देख सकते हैं, इसमें आप पिछले हमने देखा था कि जो स्टार्टर कैसा वर्क करता है, इसका कंट्रोलिंग सर्किट कैसा होता है, हम आपको सर्किट यहाँ पे बोर्ड पे बताया था। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, जो स्टार्टर के मोटर में कनेक्शन कैसे करते हैं, इसके जो स्टार्टर से देखते हैं। यहाँ पे ये तीन टर्मिनल को क्या करेंगे, इनकमिंग फेज सप्लाई देंगे थ्री फेज का, और यहीं से क्या करेंगे, मोटर को हम सप्लाई देंगे। आप देख सकते हैं कि आप, मैं इसको मोटर को सप्लाई देता हूँ। यहाँ पे देखिए आप, मैंने मोटर को पहले तीन टर्मिनल को शॉर्ट करके तीन टर्मिनल को क्या किया है, ड्यूल स्टार्ट करके इस टर्मिनल में लगाया, जो कि हमारे मोटर को सप्लाई यहाँ से दे दिया। आप देख सकते हैं, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इनकमिंग थ्री फेज सप्लाई यहाँ पे देंगे। ठीक, यहाँ पे मैंने क्या किया, मोटर को इसके कनेक्शन कर दिए। अब यहाँ से मैंने जो स्टार्टर को थ्री फेज इनकमिंग सप्लाई दिया, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने थ्री फेज इनकमिंग सप्लाई दे दिया। यहीं से मैंने कनल से वहाँ थ्री फेज सप्लाई देकर जो स्टार्टर को दे दिया। ओके, अब मोटर को क्या करेंगे, हम ऑन करके जो स्टार्टर से मोटर को ऑन करते हैं। चलो ऑन करते हैं, आप यहीं से ऑन करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे जो स्टार्टर का से मोटर को ऑन कर दिया है, हमारी मोटर अभी घूम रही है, देख सकते हैं आप। ओके,